देश अने दुनियामां मुस्लिम समाजना अग्रणीओए पवित्र रमजान दरमियान घरे रहीने रोजा तरावीहनी नमाज इबादत बंदगी करवानो ऐलान कर्युं छे। त्यारे गणदेवी बिलीमोरामां मुस्लिम बिरादरो घरमां रही लॉकडाउन अने सोशल डिस्टन्सना नियमोनुं पालन करी कोरोना संक्रमण सामेनी लड़तमां सहभागी बन्या हता। बिलीमोरा अने समग्र गणदेवी तालुकाना मुस्लिम बिरादरोए रमजान महिनानी तमाम नवाज तरावीनी नमाज बदगी इबादत तेमज इफ्तारी पोते पोताना घरे ज करी रह्या छे। समग्र गणदेवी तालुकाना मुस्लिम बिरादरो द्वारा रोजा नमाज बंदगी इबादत साथे विश्वने कोरोना मुक्त करवा अने अमन शांति माटे विशेष दुआ गुजारिश पण करवामां आवी हती। बिलीमोराथी संवाददाता अशोक जोशीनो रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं स्टेशन मीनारा मस्जिद के इमाम, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी है। मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे भारत सरकार की तरफ से जो है पब्लिकों को, लोगों को, जनताओं को जो है ये हुक्म जारी किया है ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वजह से अपने अपने घरों में रहने की जो ताकीद की है, हम इसमें इस हुक्म को पालन भी करते हैं और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम इसका पालन करते रहेंगे और हम अपने आप को घरों में रहेंगे और दूसरों को भी ताकीद करेंगे कि आप बिला ज़रूरत के बाहर ना निकलें। ये कोरोना वायरस से हमें लड़ना है, मुकाबला करना है, हमें जीतना है और हमें इसको मात देना है। और इसी दरमियान हमारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक माहे रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। बड़ी खुशी की बात है कि हम तमाम मुसलमान इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कसरत से इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मगर मस्जिद में आकर करते हैं। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि अब मस्जिद में जमा होने का हमें ज़रूरत नहीं है और सरकार की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि आप लोग अपने घरों में जो भी इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, इफ्तारी करते हैं, अपने अपने घरों में करें। तो हम इस हुक्म पर पाबंद हैं और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। हम सब मुसलमान रोज़े से हैं और जो नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी जाती है, मस्जिद में ना आने के बजाय तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और इसका इफ्तारी का भी तमाम अपने अपने घरों में मुसलमान किए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस पाबंदी को जो है अपने तरफ से इसको हम कामयाबी बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए हम सरकार के साथ हैं, सरकार का कानून से हम सहमत हैं ताकि हमारी जान माल सब कुछ सलामत रहे, देश सलामत रहे, देश के वासी सलामत रहे, देश के रहने वाले नागरिक सलामत रहे। तो मेरे दीनी मुसलमान भाइयों से मेरी यही अपील है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, आपको नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में पढ़ें, इफ्तारी करनी है तो अपने घरों में करें, क्योंकि इकट्ठा होना ही जो है ये जो है 140 धारा के खिलाफ है। हम इकट्ठा न होंगे बल्कि अपने अपने घरों में पढ़ें। यहाँ सिर्फ जो है इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के लिए इजाज़त है कि मस्जिद में सिर्फ इमाम साहब और मुअज्जिन साहब ही नमाज पढ़ सकते हैं।